पर्सन इज, जो नॉर्मल हेल्थी पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो नॉर्मल हेल्थी जो पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm of Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ब्रेडिकार्डिया रेफर टू हार्ट रेट बिलो, यानी कितने से बिलो हो जाती है उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं अपन, कितने से बिलो हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ए वाला। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा अपना ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये हिंदी में आ गया, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है लेकिन ये हिंदी में है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर हिंदी लैंग्वेज से हैं तो आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन इज रेफर्ड एज, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे अपन, साइनोसिस। उसे क्या कहेंगे अपन, साइनोसिस। प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट हैव रिस्क ऑफ डेवलपिंग, जो प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट है वो किसकी रिस्क रखता है, किसकी रिस्क हो सकती है? तो उसको किसकी रिस्क हो सकती है, डेक्यूबिटस अल्सर की। मोस्ट प्रिफरेबल साइट फॉर गिविंग IM इंजेक्शन ऑफ एन एवरेज अडल्ट, तो मोस्ट प्रेफरेबल साइट कौन सी है? तो मोस्ट प्रेफरेबल जो साइट है वो कौन सी है, ग्लूटियस रीजन, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा अपना, ग्लूटियस रीजन। एनाल्जेसिक ड्रग आर रिड्यूज, ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग किसको रिड्यूज करती है? तो एनाल्जेसिक ड्रग क्या काम करती है, ये किसको रिड्यूज करती है, पेन को। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, द ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज रेफर्ड एज, यानी कि बोन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाना उसे क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे उसे अपन, इसका करेक्ट आंसर क्या है, उसे क्या कहेंगे जब बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो उसे कहेंगे अपन फ्रैक्चर। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रैक्चर। ICDS प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया, ठीक है, इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है वो इंडिया में कब स्टार्ट की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, करेक्ट आंसर होगा अपना 1975, यानी कि उसको स्टार्ट किया गया था 1975 में। नेक्स्ट बात करें अपन, द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिलेटेड टू मदर एंड चाइल्ड इज, ठीक है, ए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, चाइल्ड सर्वाइलेंस एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो क्या इसके अंदर, यानी कि कौन से प्रोग्राम जो मदर और चाइल्ड से रिलेटेड है? तो मदर और चाइल्ड से रिलेटेड कौन से प्रोग्राम है, यानी कि ऑल ऑफ अबोव, सारे प्रोग्राम किससे हैं, मदर और चाइल्ड से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, द नॉर्मल सप्लीमेंट ऑफ IFA ड्यूरिंग एंटेनेटल पीरियड इज 4, ठीक है, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट। इसका IFA का मतलब होता है आयरन फोलिक एसिड टेबलेट, जो टेबलेट होती है आयरन फोलिक एसिड की एंटेनेटल पीरियड में कितनी देते हैं? तो 1 tablet for 100 days, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया 124 का बी वाला। तो दोस्तों ये हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप हिंदी मीडियम से इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये हिंदी मीडियम्स में दे रखा है आप, ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन, ठीक है, IFA टेबलेट गिवन व्हेन, IFA टेबलेट कब हम देते हैं, यानी कि IFA टेबलेट को हमें कब स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी कि बिलो HB मदर का अगर 10 ग्राम से कम हो या चाइल्ड का 10 ग्राम से कम हो, दोनों स्थिति में हमें क्या IFA टेबलेट को हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय, जो ओवेरियन साइकिल होता है वो किसकी वजह से स्टार्ट
होता है। तो ओवेरियन साइकिल किसकी वजह से स्टार्ट होता है, कौन से हार्मोन की वजह से ओवेरियन साइकिल स्टार्ट होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवेरियन द ओवुलेशन अकर, यानी कि 14 डेज का क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल है और ओवुलेशन कब होगा उसके अंदर, तो इसके अंदर ओवुलेशन कब होगा उसके अंदर, नॉर्मली ओवुलेशन कौन से डेज पे होता है, 14 डेज पर, यानी कि जब साइकिल कितने दिन का रहता है 28 का, तो 28 को हम 40 में से घटा देंगे और जो आया वो 14 में जोड़ देंगे, ठीक है। 28 को हम कितने, यानी कि 40 में से 28 को हम माइनस कर देंगे, यानी कि 12 बचा और इसमें जोड़ देंगे हम 12 को, यानी कि 26 डेज। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, 26 डेज। ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड, यानी कि जो ब्लूइश डिस्कलेशन हो जाती है वेजाइना उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे अपन, करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, चैडविक साइंग, क्या हो गया अपना, चैडविक साइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों अपन, रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन कैन बी फेल्ट ड्यूरिंग बाई मैनुअल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड, यानी कि रिदमिक रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि जब यूट्रस को अपन चेक करते हैं बाई मैनुअल से तो उसके अंदर क्या होते हैं, रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन आपको फेल्ट होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, पाल्मर साइंग, क्या होगा अपना इसका, पाल्मर साइंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया अपना, पाल्मर साइंग। द नॉर्मल हार्ट ऑफ द इन्फेंट आफ्टर बर्थ मेनी रेंज बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट बीट पूछा था, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है आफ्टर बर्थ के बाद, तो बर्थ के बाद में हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 120 से 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ, मॉर्निंग सिकनेस कब डिसअपीयर हो जाती है, तो मॉर्निंग जो सिकनेस होती है वो 3 मंथ के एंड में बंद हो जाती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग ईडीडी, ठीक है, ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं अपन, नेगले फॉर्मूला, ठीक है। तो दोस्तों ये फिर हिंदी मीडियम्स में, आप हिंदी मीडियम्स में भी देख सकते हैं, जो हिंदी के कैंडिडेट है वो हिंदी मीडियम में इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी मीडियम्स में पूरे क्वेश्चंस जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है वो इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड ए टेरेटोजेनिक इफेक्ट, टेरेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब मदर से बच्चे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है उसे कहते हैं अपन टेरेटोजेनिक इफेक्ट, यानी कि कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज करता है। तो यहाँ पे कौन है करेक्ट आंसर उसका, रूबेला, क्योंकि रूबेला का इन्फेक्शन अगर मदर को है तो वो बच्चे के अंदर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज कर देगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना बी वाला। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बोटल फॉर्मूला, बोटल फॉर्मूला के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, बोटल फॉर्मूला के अंदर यानी कि जब हम बोटल से फीडिंग देते हैं तो उसके अंदर क्या नहीं होता है, तो उसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन नहीं होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन किसके अंदर पाए जाते हैं, मदर मिल्क के अंदर, IgA। एंड्रोमेट्रोसिस इज कॉमन इन, एंड्रोमेट्रोसिस कॉमन किसके अंदर पाया जाता है, तो एंड्रोमेट्रोसिस कॉमन किसके अंदर पाया जाता है, तो ये सबसे कॉमन किस में होता है, नली पेरा, ठीक है, किसके अंदर होता है ये, नली पेरा के अंदर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द क्लाइंट विल हैव
एंड इंक्रीज नीड फॉर, प्रेगनेंसी के दौरान किसकी नीड इंक्रीज हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान किसकी नीड इंक्रीज हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट, वो भी कितनी 300 ग्राम ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जो नॉर्मल ले रही थी उससे कितना 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन इन्फेंट डिलीवर्ड बाय सीजेरियन सेक्शन, जो अगर किसी का सीजेरियन सेक्शन से डिलीवरी कराया है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इम्यूनिटी ट्रांसफर टू फीटस फ्रॉम मदर थ्रू प्लेसेंटा इज, ठीक है, जो इम्यूनिटी होती है यानी कि जो मदर से बच्चे के अंदर आती है आईजीजी, ठीक है, आईजीजी जो प्लेसेंटा से अगर ट्रांसफर होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे अपन, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, क्या कहेंगे अपन उसे, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मॉर्निंग सिकनेस कैन बी ओवरकम बाय, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस को कैसे अपन कम कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मॉर्निंग सिकनेस है तो उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, तो ईटिंग प्रोटीन बिफोर स्लीप, स्लीप होने के यानी कि सोने से पहले प्रोटीन की डाइट लेने से हम क्या जो मॉर्निंग सिकनेस है उसे हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्शिया, यानी कि एक्लेम्शिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो एक्लेम्शिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, क्योंकि एक्लेम्शिया में क्या होते हैं, सीजर होते हैं, तो सीजर के टाइम पे कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, वो होती है अपनी MgSO4, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना MgSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही हिंदी में क्वेश्चन है दोस्तों, आप हिंदी में अगर हिंदी मीडियम्स के हैं तो हिंदी मीडियम से इसे पढ़ सकते हैं, तो ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन कॉल्पोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी के अंदर किसको यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि कॉल्पोस्कोपी के अंदर किसे हम यूज करते हैं, तो कॉल्पोस्कोपी के अंदर हम किसे यूज करते हैं अपन, एसेटिक एसिड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज, यानी कि पीपीएच का सबसे कॉमन कॉज क्या है, तो सबसे कॉमन कॉज क्या है पीपीएच का, एटोनिक यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इप्यूजोटोमी, जो कॉमनेस्ट टाइप है इप्यूजोटोमी का, कौन सा टाइप है इप्यूजोटोमी का, कॉमनेस्ट टाइप क्या है, मीडियो लेटरल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, जो अबॉर्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन के लिए कौन सी है, तो वो है अपनी प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्लाइनेफाइटर सिंड्रोम इंडिकेट बाय, क्लाइनेफाइटर सिंड्रोम इंडिकेट बाय, तो इसके अंदर क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, तो अपना करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा, 47XXY क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कंप्लेन ऑफ ओलिगोमेनोरिया ओबिसिटी एंड हिस्टोरिज्म इन 20 ईयर ओल्ड लेडी इंडिकेट, यानी कि एक लेडी जिसका ओलिगोमेनोरिया हो रहा है और ओबिसिटी हो रही है और हिस्टोरिज्म हो रहा है, यानी कि हेयर्स आ रहे हैं, तो किसको इंडिकेट करता है, तो ये किस प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है, तो ये जिस प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, बर्थ ट्रोमा इज ए रिस्क फैक्टर फॉर, बर्थ ट्रोमा किसका रिस्क फैक्टर है,
ठीक है, यानी कि जो बर्थ ट्रोमा किसका रिस्क फैक्टर है, यानी कि ड्यूरिंग जब लेबर कर रहे हैं उस टाइम पे ट्रोमा होने की वजह से क्या हो सकता है, तो ट्रोमा होने की वजह से क्या हो सकता है, यूटराइन प्रोलैप्स, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, यूटराइन प्रोलैप्स। टोटल कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर ए प्रेग्नेंट वूमन, प्रेग्नेंट वूमन के लिए टोटल कैलोरी कितनी की जरूरत होती है, तो कितनी कैलोरी की जरूरत होती है प्रेग्नेंट वूमन के लिए, यानी कि टोटल कैलोरी कितनी रिक्वायर होती है, 2500 से 2700 किलो कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों ये हिंदी मीडियम्स में है, आप इनको देख सकते हैं अगर हिंदी मीडियम के हैं तो, ये हिंदी मीडियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड, यानी कि जब मदर फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसे अपन, क्विकनिंग, क्या कहेंगे उसे अपन, क्विकनिंग। ठीक है, नेक्स्ट, पियरली वाइट और सेलाइवरी ब्राइट लाइन हेडेड आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, यानी कि डिलीवरी के बाद में जो पियरली वाइट सिल्वरी ब्राइट लाइन्स हो जाती है उसे क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, लीनिया एल्बिकेंटिस, ठीक है, लीनिया एल्बिकेंटस, ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, लीनिया एल्बिकेंटस। मेकोनियम मिक्स्ड लिक्वर एमनाई इंडिकेट, यानी मेकोनियम मिक्स्ड लिक्वर एमनाई हो रहा तो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो किसको इंडिकेट करेगा, फीटल डिस्ट्रेस को, किसको इंडिकेट करेगा वो, फीटल डिस्ट्रेस को। प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट रिंग बबल्स एट मेनिस्कस इन शेक टेस्ट इंडिकेट, यानी कि जब बबल्स प्रेजेंट होते हैं जब शेक टेस्ट करते हैं तो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो किसको इंडिकेट करता है, अगर बबल प्रेजेंट है तो मैच्योरिटी ऑफ लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, लेस देन हाउ मेनी नंबर ऑफ किक्स इन 12 आवर इंडिकेट द फेल्योर ऑफ प्लेसेंटल फंक्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो यानी कि कितने नंबर से कम किक्स हो तो उसकी वजह से प्लेसेंटल फंक्शन को फेल्योर माना जाता है, तो करेक्ट आंसर अपना 10 किक्स, अगर 10 किक्स से कम आता है तो प्लेसेंटल को फेल्योर माना जाता है, प्लेसेंटल के फंक्शन को। टोटल वेट गेन ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर मदर का कितना वेट गेन होता है, तो करेक्ट आंसर होगा अपना पहला वाला, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नंबर नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड, जो नॉर्मल लेबर होती है उसे क्या कहेंगे, जो नॉर्मल लेबर होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपन यूटोसिया। ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, यूटोसिया। शो इज द साइंग ऑफ, शो किसका साइंग है, ठीक है, जो शो किसका साइंग है, तो शो किसका साइंग है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, शो इज द साइंग ऑफ, ठीक है, ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन, साइंग ऑफ अबनॉर्मल लेबर पेन, साइंग ऑफ प्लेसेंटा, तो ये किसका है, ट्रू लेबर पेन का, क्योंकि शो का मतलब होता है जब वेजाइना से म्यूकस निकलता है डिलीवरी के टाइम। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में है, आप देख सकते हैं इसको हिंदी मीडियम में, तो ये हिंदी मीडियम में है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन वापस नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने के लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज टोटल टाइम पीरियड फॉर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर प्रीमी एंड मल्टी, तो टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, वो होता है 15 मिनट्स, यानी प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडे का थर्ड स्टेज में, यानी कि जब प्लेसेंटा सेपरेट होती है तब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिलीवरी द इमीडिएट केयर गिवन टू द बेबी, इमीडिएट केयर क्या देनी है हमें आफ्टर डिलीवरी के बाद में, तो सबसे इमीडिएट केयर अपन को क्या देनी है, टू क्लियर द एयर वे, यानी कि जो बेबी का एयर वे उससे क्या करना अपन को क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओवरलैपिंग ऑफ द पेराइटल बोन ड्यूरिंग बर्थ इज कॉल्ड, यानी कि जो पेराइटल बोन होती है वो ओवरलैपिंग हो जाना ड्यूरिंग बर्थ के दौरान उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे अपन, उसे क्या कहेंगे अपन, मॉडलिंग, क्या कहेंगे उसे अपन, मॉडलिंग। विच ऑफ द फ्लोविंग ड्रग इज गिवन टू इंक्रीज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, कौन सी ड्रग है जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, तो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कौन सी ड्रग बढ़ाती है, तो वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो मायोमेट्रियम होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, द प्रोसेस गिविंग बर्थ इज कॉल्ड, जो यानी कि जो बर्थ होती है उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी उसे क्या कहेंगे अपन, तो उसे कहते हैं पार्टूशन, ठीक है, पार्ट्रूशन। तो करेक्ट आंसर होगा अपना ए वाला। व्हाट इज नॉर्मल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का नॉर्मल डायलेशन कितना होता है, तो सर्विक्स का नॉर्मल डायलेशन कितना होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, नॉर्मल कितनी डायलेट हो जाती है सर्विक्स, 10 सेमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ड्यूरेशन ऑफ पर्प्यूरल पीरियड इज, पर्प्यूरल पीरियड यानी कि जब पोस्ट पार्टम के दौरान के बाद में कितने समय तक का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं अपन पर्प्यूरल पीरियड, ठीक है, तो 6 वीक्स तक का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं अपन पर्प्यूरल पीरियड, यानी कि 42 डेज तक का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं अपन पर्प्यूरल पीरियड। वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 नाइट ऑफ पर्प्यूरम इज कॉल्ड, ठीक है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, पर्प्यूरम की, पर्प्यूरम के बाद में, तो यानी कि पर्प्यूरम जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे वेजाइनल डिस्चार्ज होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपन लोकिया, क्या कहते हैं उसे अपन, लोकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों ये हिंदी मीडियम में, आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी मीडियम से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वाट द इंडिकेशन ऑफ सीजेरियन सेक्शन, क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं सीजेरियन सेक्शन के, तो सीजेरियन सेक्शन किस किस अवस्था में अपन कर सकते हैं, फीटल डिस्ट्रेस, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, ऑब्स्ट्रक्ट लेबर, तो हम आल स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, सीजेरियन सेक्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क के सिंथेसिस को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8 फीटस हैव फाइन डाउनी हेयर विच इज कॉल्ड, यानी कि जो फीटस के ऊपर जो हेयर होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपन, उसे क्या कहेंगे अपन, लेनुगो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, लेनुगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग केयर इन एस्पेक्सिया बेबी इज, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एस्पेक्सिया बेबी का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके दौरान, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मेन गोल क्या रहेगा, तो मेन गोल जो रहेगा वो रहेगा अपना, क्या रहेगा अपना मेन गोल, अगर एस्पेक्सिया का जो बेबी है यानी कि जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उसमें हमारा मेन गोल क्या रहेगा, ठीक है, तो हमारा मेन गोल रहेगा एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ठीक है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, बी वाला अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, साइनोसिस इन
प्री टर्म बेबी इज ड्यू टू, ठीक है, साइनोसिस प्री टर्म बेबी के अंदर किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, प्री टर्म बेबी के लंग्स इमेच्योर होते हैं, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, ठीक है। इन फुल फ्लेक्स्ड सेफेलिक प्रेजेंटेशन वी फील, ठीक है, फुल फ्लेक्स्ड सेफेलिक प्रेजेंटेशन में हमें क्या फील होता है, ठीक है, यानी कि जब फुल फ्लेक्स्ड हो जाता है उसका सेफेलिक प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें क्या फील होता है, यानी कि बेबी का जैसे ये फुल फ्लेक्स्ड है तो उसके क्या फील होगा, तो उसके अंदर क्या फील होगा, बेबी के अंदर क्या फील होगा जब वो रहेगा, तो ऑक्सीपिट एरिया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, ऑक्सीपिट, ठीक है। नेक्स्ट, नियोनेट रिसक्सिटेशन इफ पल्स रेट इज बिलो, अगर पल्स रेट बिलो हो जाती है तो नियोनेट को कब हमें रिसक्सिटेशन करना चाहिए, ठीक है, यदि पल्स रेट 40 से बिलो हो जाती है तो हमें नियोनेट का रिसक्सिटेशन करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है, ठीक है, तो टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, जो टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है, तो हमारा टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा रहेगा, डिसएबिलिटी लिमिटेशन, ठीक है, उसे कहेंगे अपन टर्शरी लेवल प्रिवेंशन, ठीक है, डिसएबिलिटी लिमिटेशंस को। तो ये आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ओनली ह्यूमन बीइंग आर रिजर्वर फॉर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग किसके रिजर्वर है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग किसका रिजर्वर है, तो ह्यूमन बीइंग किसका रिजर्वर है, रिजर्वर है वो है ह्यूमन बीइंग किसका रिजर्वर है, साल्मोनेला का, किसका है, साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी का, तो ये अपने करेक्ट आंसर हो गया सी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसका रिजर्वर है, साल्मोनेला टाइफी। एज पर लेटेस्ट WHO गाइडलाइन विच डिहाइड्रेशन स्टेटस रिक्वायर्ड ORS, ठीक है, WHO गाइडलाइन के अनुसार किस कंडीशन में ORS की जरूरत पड़ती है, तो WHO के अनुसार कौन सी स्टेटस में ORS की जरूरत पड़ती है, तो कोई सा भी फॉर्म हो डिहाइड्रेशन का, वैसी कंडीशन में हमें क्या चाहिए, ORS, ठीक है, कोई सा भी कंडीशन हो डिहाइड्रेशन का उसमें क्या है, ORS की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैक्सिमम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज सीन इन, ठीक है, मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट किसके अंदर दिखाई देती है, ठीक है, मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट कौन से हेपेटाइटिस के अंदर दिखाई देती है, ठीक है, तो मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट किस में दिखाई देती है अपन को, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी के अंदर मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट किस में होती है, हेपेटाइटिस सी, यानी कि मदर के अंदर हेपेटाइटिस सी है तो मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट उसके अंदर होती है, ठीक है, सॉरी मोर्टेलिटी की बात करें अपन तो यहाँ पे अगर मदर की मोर्टेलिटी की बात करें तो उसके अंदर होगी हेपेटाइटिस ई, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका बी वाला, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो है यानी कि रूबेला, अगर रूबेला का वैक्सीन क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन होता है, इसकी वजह से ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, पोलियो ट्रांसमिशन इजीली ब्लॉक्ड कैन बी अप्लाई बाय एक्टिंग ऑन, जो पोलियो को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो पोलियो को कंट्रोल करने के लिए
किसको हम ब्लॉक कर देंगे तो पोलियो कंट्रोल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। पोलियो को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, रिजर्वर को ब्लॉक कर देना है, जिसके अंदर पोलियो के वायरस है उसे हमें ट्रीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वैक्सीन विच कैन बी गिवन एट अर्लीस्ट, कौन सा वैक्सीन अर्लीस्ट में दिया जाता है, तो कौन सा वैक्सीन सबसे पहले दिया जाता है, तो BCG वाला वैक्सीन एट ए टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है। BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन, BCG वैक्सीन बच्चों के अंदर कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, तो BCG वैक्सीन को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, इंट्राडर्मली, ठीक है, कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, इंट्राडर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ट्यूबरकुलिन टेस्ट रीड आफ्टर, ट्यूबरकुलिन टेस्ट को हम कब रीड करना है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपन को कब रीड करना है, 72 आवर बाद। ये भी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिंदी मीडियम है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं अगर हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहें तो इसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज, यानी कि जो मम्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, मम्स के क्वेश्चन हम बात करें मम्स के इंक्यूबेशन पीरियड की, ठीक है, तो मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होगा, वो होगा 18 डेज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, 18 डेज, मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड है 18 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर वन अटैक, यानी कि एक बार अटैक होने के बाद में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर देता है, तो वन टाइम अगर किसी का अटैक हो गया तो यानी कि वन टाइम कौन सी डिजीज है जिसका एक बार इन्फेक्शन हो गया तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी अपन को मिलती है, तो वो है मम्स, ठीक है, जो मम्स डिजीज है उसके अंदर। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज, ठीक है, कम्युनिकेशन पीरियड चिकन पॉक्स इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली एम्स में भी पूछा गया है, तो कब कम्युनिकेशन पीरियड होता है, यानी कि इसका जो इन्फेक्शन जो यानी कम्युनिकेशन का जो पीरियड होता है वो होता है 4 to 5 days आफ्टर रैश, यानी कि जो रैशेस अपीयर होने के बाद में 4 to 5 days, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शार्प इंस्ट्रूमेंट मे बी स्टरलाइज विद, ठीक है, शार्प इंस्ट्रूमेंट को हम किसके साथ स्टरलाइज कर सकते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट मे बी स्टरलाइज विद, ठीक है, तो हम किस किस से स्टरलाइज कर सकते हैं शार्प इंस्ट्रूमेंट को, रेडिएशन से भी कर सकते हैं अपन, लाइसोल से भी कर सकते हैं, हॉट एयर ओवन से भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ अबोव, तो इसका करेक्ट आंसर है अपना ऑल ऑफ अबोव, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अपना ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावरफुल डिसइंफेक्टेंट, तो पावरफुल डिसइंफेक्टेंट कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पे पावरफुल डिसइंफेक्टेंट कौन सा है इसमें, लाइजोल, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, लाइजोल। केराटो मलेशिया इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, केराटो मलेशिया किसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, केराटो मलेशिया, ठीक है, बात करें अपन केराटो मलेशिया इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, तो कौन सी डिजीज की वजह से केराटो मलेशिया हो सकता है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या है, केराटो मलेशिया किस डिजीज से हो सकता है, यानी कि केराटो मलेशिया की अगर बात करें अपन तो केराटो मलेशिया किसकी वजह से हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना, कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या होगा, किसकी वजह से एसोसिएट होगा केराटो मलेशिया,
क्या होगा, किसकी वजह से होगा बताओ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, करेटो मलेशिया किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? करेटो मलेशिया वैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होता है, और ये यहाँ पे अपना मीजल्स की वजह से होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा अपना मीजल्स, क्योंकि मीजल्स क्या करता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी करवाता है। आपको पता होगा विटामिन ए की डोज किसके साथ दी जाती है, मीजल्स के साथ में। ठीक है, फॉर डिस्पोजेबल आइटम द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, यानी कि बेस्ट मेथड क्या है डिस्पोजेबल आइटम्स को स्टरलाइज करने का, बेस्ट यानी कि जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, तो डिस्पोजेबल आइटम्स को हम स्टरलाइज कैसे कर सकते हैं, उसका बेस्ट मेथड क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गामा रेडिएशन से। ठीक है, किससे हम स्टरलाइज कर सकते हैं, गामा रेडिएशन से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा अपना सी वाला। वर्टिकल ट्रांसमिशन इज बाय, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन इज बाय। ठीक है, तो वर्टिकल यानी कि जो वर्टिकल यानी मदर से बेबी के अंदर इन्फेक्शन आना, उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, प्लेसेंटा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा अपना प्लेसेंटा। दोस्तों ये हिंदी मीडियम में आप इसको देख सकते हैं, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ऐसे हिंदी मीडियम की क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्लॉक स्प्रेडिंग। ठीक है, हम किस में डिफिकल्टी होती है स्प्रेडिंग, यानी कि जो उसको प्रिवेंशन करने के लिए, तो हम एयर बॉन्ड को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि एयर बॉन्ड को हम, एयर जो बॉन्ड है उसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला। द पीरियड आफ्टर एंट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इन्फेक्शन इज नोन एज, मैक्सिमम इन्फेक्शन अगर प्रोड्यूस करता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे अपन, द पीरियड आफ्टर एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इन्फेक्शन इज नॉन एज, उसे क्या कहेंगे अपन, उसे कहेंगे अपन जनरेशन टाइम। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, जनरेशन टाइम। द ड्रग कॉज्ड बाय हेल्थ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है, द ड्रग यूज्ड बाय हेल्थ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जो हेल्थ वर्कर हैं उनके अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के अंदर को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग को देते हैं, तो कौन सी ड्रग को देते हैं, कॉट्रीमोक्साजोल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, कॉट्रीमोक्साजोल। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रिवेलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इज मेजर्ड बाय, ठीक है, प्रिवेलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इज मेजर्ड बाय, तो हम किससे मेजर कर सकते हैं प्रिवेलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस जो इन्फेक्शन है उसको, किससे हम मेजर करते हैं, तो उसे करते हैं अपन ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट से। ठीक है, तो हम किससे मेजर करते हैं उसे, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट से, यानी कि यहाँ बात करें अपन प्रिवेलेंस की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा अपना ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट। ठीक है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय विच मॉस्किटो, मलेरिया कौन से मॉस्किटो से ट्रांसमिटेड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटी द वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है, आइडेंटिफाई द वाटर बोर्न डिजीज, तो कौन सी डिजीज वाटर बोर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर बोर्न डिजीज कौन सी है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अपना कौन सा होगा, कोलेरा। विब्रियो कोलेरा किससे ट्रांसमिट होता है, वाटर बोर्न से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड लाइगेशन फेलोपियन ट्यूब इज रेफर्ड, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसे लाइगेशन करना, ठीक है,
उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे अपन ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं अपन उसे? ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बेस्ट टाइम फॉर आईयूडी इंसर्शन बिटवीन विच डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बेस्ट टाइम ऑफ आईयूडी इंसर्शन बिटवीन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो किस टाइम पे हमें इंसर्ट कर देना चाहिए? आईयूडी का बेस्ट टाइम होता है 3 to 7 days। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है अपना 3 to 7 days। ठीक है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो गया 3 to 7 days। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मेटल विच इज कॉमनली यूज फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के अंदर कौन सी मेटल को यूज किया जाता है, यानी कि फैमिली प्लानिंग के अंदर कौन सी मेटल का उपयोग किया जाता है? तो हमें यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं? कॉपर, जैसे कि कॉपर टी, जैसे होती है ना कॉपर टी, तो हम कौन से मेटल को यूज करते हैं? कॉपर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द माला डी इज एग्जाम्पल ऑफ, जो माला डी किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो माला डी किसका एग्जाम्पल है? माला एन, माला डी किसका एग्जाम्पल है? ये पिल फॉर्म का। ठीक है, किसका है? ये पिल फॉर्म का। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, द मल्टी पर्पज वर्कर इन जनरल सर्विस ए रूरल पॉपुलेशन ऑफ। ठीक है, मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर कितनी पॉपुलेशन के ऊपर काम करता है? ठीक है, तो मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर कितनी पॉपुलेशन के ऊपर काम करता है? 5000 पॉपुलेशन के ऊपर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड एज। ठीक है, जो वैक्सीन को जो होता है स्टोरिंग और ट्रांसपोर्ट करने वाला, उसे कौन सी टर्म का नाम दिया गया है? तो वैक्सीन को कौन, क्या नाम है उसका? कोल्ड चेन, उसे क्या कहते हैं अपन? कोल्ड चेन। तो अपना करेक्ट आंसर हो गया कोल्ड चेन। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन था, वो इसमें है या नहीं है, एक क्वेश्चन था कि इंसुलिन के लिए कौन सा, इंसुलिन को सिंथेसिस करने के लिए कौन सा माइक्रो एलिमेंट की ज़रूरत होती है? तो इंसुलिन को सिंथेसिस करने के लिए जिंक एलिमेंट की ज़रूरत होती है। थैंक